हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर आप थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो मैं एक एप्लीकेशन बताता हूं, पिक्सल आर्ट करके है, उसके थ्रू आप थंबनेल बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, जस्ट फॉलो करिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाके पिक्सल लैब एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी भी जस्ट इंस्टॉल किया और मेरे में यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। मैं उसी के थ्रू बैनर बनाता हूँ, पोस्टर बनाता हूँ, थंबनेल, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आफ्टर दैट मैं इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं। इसके थ्रू आप थंबनेल और बैनर ये सब एवरीथिंग आप बना सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ, आप जस्ट मुझे फॉलो करिए। मैं जस्ट ओपन किया, आफ्टर दैट देखता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार से इंटरफ्रेंस ओपन हो चुका है। ओके दोस्त, और माय प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जस्ट नीचे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं, आप आसानी से चुन सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड, जैसे मैं यहाँ पे सर्किल कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट आप यहाँ से बैकग्राउंड, ये बेसिकली बैकग्राउंड है और ये आप आसानी से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा बैकग्राउंड दिया रहता है, जस्ट मैं आपको स्लाइड करके बताता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बैकग्राउंड दिया हुआ है, जो आप आसानी से चूज करके कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं ये चुनता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप कैसे और थंबनेल बनाएंगे अपना, ठीक है। मैं ये बैकग्राउंड चुनूँगा और जस्ट नीचे मैं जो सर्किल कर रहा हूँ, ये सारे सेटिंग्स हैं कि आप कैसे सेटिंग्स इसको कर सकते हैं, कितना अच्छा आप बना सकते हैं इसके थ्रू, ये सब यूज करके। तो मैं हर एक सेक्शन अलग अलग बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बना हुआ है सेकंड सेक्शन, तो इसमें मैं चलता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक किया, आफ्टर दैट आप देखते हैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शन भी डिवाइड हुआ है, जो टेक्स्ट डिवाइड हुआ है, एडिट करके हुआ है, कॉपी टू फ्रंट, ठीक है। तो टेक्स्ट में पहले मैं कुछ भी टेक्स्ट करता हूँ, चलिए अपने चैनल का नाम ही मैं टेक्स्ट करता हूँ। तो मैं इसे जस्ट टाइप किया, आफ्टर दैट मैं ओके किया, तो यह कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये टेक्स्ट जो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है दोस्तों। तो सेकंड है डिलीट और थर्ड है कॉपी, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। डिलीट और कॉपी आप जैसे जानते हैं डिलीट कर देंगे तो फिर से आप नया एक टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। ओके, तो कॉपी को आप कॉपी कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो ये सब है और ये फॉन्ट साइज है बेसिकली, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ जस्ट ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड राइट, ये सब पोजिशन के लिए सेट करने के लिए है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे और ये साइज का बेसिकली है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये बेसिकली साइज के लिए है, साइज का सेक्शन है। फिर आगे चलते हैं, तो ये है पैडिंग, बेसिकली पैडिंग पर करेंगे तो ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड जो उसको क्या बोलते हैं, शैडो, कुछ इस तरीके से ये लेफ्ट और साइड ओपन करके जाता है, ठीक है। तो इसमें यही ऑप्शन है। और आप आगे चलते हैं, ये है कलर। कलर आप हर एक टेक्स्ट का अलग अलग कलर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए मुझे टेक का अलग देना हुआ है, MS का अलग देना हुआ है और वीडियो का अलग, तो मैं टेक को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका अलग ऑप्शन में कलर चूज करता हूँ। आफ्टर दैट मैं MS को अलग कलर देता हूँ, फिर वीडियो को मैं अलग कलर चूज करता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे अलग अलग कलर देकर आप इम्प्रेसिव थंबनेल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और इसमें मैं एक बताने वाला हूँ, ग्रेडियंट करके है, तो इसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा आप करिए, और इसमें एक कलर एक तरफ से कुछ डार्क, उसके बाद और ग्रे, मतलब आपको एक प्रकार से देखिए, मैं अभी करके दिखाता हूँ कि एक तरफ से बहुत ही डार्क दिखेगा, एक तरफ से बहुत ही कम, कुछ इस तरीके से इसमें शो ऑफ होगा।
तो जैसे ही ओपन करेंगे आप देखते हैं कलर ना आसानी से एक तरफ बहुत ही ग्रीन है, एक तरफ दूसरा कलर है। तो इसमें कलर मिक्स करके आप अपने अपने टेक्स्ट का जो है वो आप कलर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आफ्टर दैट आगे चलते हैं, ये है टेक्सचर। टेक्सचर में बेसिकली क्या है कि आप कोई भी अपना फ़ोटो जो है वो अपने फॉन्ट में लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है अपनी फ़ोटो या फिर कोई भी अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से दिखेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, जैसा ये फ़ोटो है ठीक है, इसको कॉपी करके मैं जैसे ही ओके करूँगा ये आप देखेंगे कि ये फ़ोटो ऑटोमेटिक इस टेक्स्ट में आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट में, ठीक है। और मुझे आसानी से दिखाई दे रहा है, आई थिंक आप लोग को भी दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि इस टेक्स्ट में फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा इसका इसका सेक्शन है ये वाला, ठीक है, टेक्सचर का। तो आगे मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ये बेसिकली है आपका कलर से रिलेटेड है, कैपेसिटी है, और ये रोटेशन है कि आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, ओके। तो ये रोटेशन बेसिकली है, किसी एंगल पे आप भी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, क्या है नेक्स्ट सेक्शन, फॉन्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आप अलग अलग फॉन्ट दे सकते हैं, कौन सा आपको फॉन्ट अच्छा बेसिक है, फिर यहाँ पे काफ़ी फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अलग अलग इसमें सेक्शन में है। तो ये बेसिकली फॉन्ट से रिलेटेड है ये सेक्शन, फॉन्ट लिखा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं और आप अपने थंबनेल को बहुत ही आकर्षित बना सकते हैं, ओके। और ये स्टाइल है, स्टाइल में आप बेंडिंग कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, और अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जैसा आप अच्छा लगे आपको और आप वो आसानी से कर सकते हैं। ये कर्व था बेसिकली और लास्ट, और ये आगे का है आप बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा होगा, ओके दोस्त। तो कोई भी एक कलर आप चूज कर लीजिए, उसमें बैकग्राउंड में कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जितना यूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड, उतना आप आसानी से बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से कम या राइट साइड से ज़्यादा, जैसा आप चाहें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट आगे सेक्शन है, ये लाइनिंग वाला है, साइज का है। तो आप बेसिकली लाइनिंग कैसे मिडिल में कर सकते हैं या साइड राइट से या लेफ्ट से, तो ये सब बेसिकली है। और ये गैपिंग का है कि आप बीच में गैपिंग कितना दे सकते हैं, ओके। तो ये सब सेक्शन आई थिंक आप लोग को पता होगा दोस्तों कि आप गैपिंग और कैसे दे सकते हैं ये सब, ओके दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि ये सेक्शन है आपका कलरिंग का। ये बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिक आपका जो भी कलर आप चूज करेंगे वो बॉर्डर उसी कलर का आपका बनता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज किया है ग्रीन कलर का, देख रहे हैं आप साइड साइड बॉर्डर कैसा बन चुका है इसमें, ओके। और ये शैडो का है तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, और इसी तरीके से आप अपना थंबनेल जो है वो काफ़ी आकर्षित बना सकते हैं। मैं थंबनेल यहीं से बनाता हूं दोस्तों, काफ़ी सारे मेरे दोस्त पूछते हैं तो मैं सोचा कि ठीक है आप लोग को एक वीडियो इस पर बना के मैं दिखाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे कि ये सब 3D आप 3D में आप बना सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली एंगल के लिए है। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कुछ ये एंगल और 3D बना के दिखा रहा है, ये सब सेक्शन है। तो 3D टेक्सचर के लिए है, ओके दोस्त। तो यहाँ पे आप ये देख ली बेसिकली ये, और कलर अगर इसमें आप चूज करना चाहते हैं किस कलर का ये बैकग्राउंड पीछे 3D टाइप बने, तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ओके दोस्त। 3D बेसिकली 3D में ही अगर आप इन देना चाहते हैं तो ये लास्ट 3 सेक्शन जो है ये सब 3D के ही
पार्ट है इसमें 3D। अब देखिए यहाँ पे शैडो बनने के लिए दिया है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज करके आप शैडो यहाँ नीचे बना सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन में है, तो आप ये जो भी आप टेक्स्ट ऊपर लिखे हैं वो रिफ्लेक्ट करके जस्ट नीचे आपको शैडो उसका दिखाई देगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टन का है, तो आप ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलते हैं थर्ड सेक्शन में, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली दिखेगा कि आप इमेज और ड्रा क्या क्या यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बैनर बनाता हूँ तो उसमें क्या इमेज ऐड करना रहता है, तो अलग अलग, तो इसमें भी वैसे जस्ट आपको दिखाई दे रहा है कि आप इमेज जो है आप चूज कर सकते हैं कोई भी इमेज। ओके, और ये क्रॉप का दिया हुआ है, कॉपी का दिया हुआ है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। टू बी फ्रंट, टू बी ब्रैक, तो फ्रंट करेंगे तो जस्ट फ्रंट में आएगा, और बैक करेंगे तो ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है जस्ट इसके बैक में फ़ोटो चला जाएगा। ओके दोस्त, और ये क्रॉपिंग का है, तो आप क्रॉप करके लगा सकते हैं, जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ तो आप यहाँ से आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। ओके, अब कोई भी आपको बैनर लगाना हुआ तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब ये देखिए कुछ अलग सा इसका लुक आ रहा है, तो यहाँ से कॉपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कॉपी का दिया हुआ है, ठीक है, टू बी फ्रंट, टू बी बैक और पोजीशन। फ्रंट में करेंगे जैसा कि मैं आपको बताया, वो देखिए फ्रंट के जस्ट आगे आ जाता है, और बैक करेंगे तो जस्ट टेक्स्ट के जस्ट बैक चला जाता है। ओके दोस्त, ये बेसिकली पोजीशन सेट करने के लिए है कि आप पोजीशन कैसे दे सकते हैं। ओके, और ये कलर के लिए है, कौन सा कलर आप चूज करना चाहते हैं या फिर नहीं चूज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता चुका हूँ टेक्सचर, और काफ़ी सारे इसमें हैं, इरेज, शैडो, 3D डायरेक्शन, तो ये सब है आपके लिए जो कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यूज करके बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके मेरे दोस्त, तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थर्ड फोर्थ सेक्शन है आपका, फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कलर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कलर ना, और यहाँ पे इमेज साइज भी आपको दिखाई देगा कि इमेज साइज आप कैसे कर सकते हैं, टेक्सचर भी दिया हुआ है। अब मेन है इसमें इमेज साइज, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए यूज करेंगे जो आप बना रहे हैं इमेज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थंबनेल के लिए बना रहा हूँ, तो आप थंबनेल यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर अदर आप वेबसाइट के लिए आप साइट के लिए यूज करना चाहते हैं तो अदर भी आप साइट आसानी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इमेज साइज में आप जैसे ही जाएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी आप इमेज साइज में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ ना इमेज एंड साइज, तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये आपका कस्टम दिया हुआ, कस्टम में आप 1280 या 720 पे आप बनाएंगे। और जैसे मैं सर्किल किया हूँ, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि यूट्यूब चैनल बैनर के लिए बना रहे हैं, थंबनेल के लिए बना रहे हैं, प्रोफाइल पिक के लिए बना रहे हैं, फेसबुक के लिए या गूगल के लिए या फिर ट्विटर के लिए, जिसके लिए आप बना रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक उस साइज़ का आपको बना के दे देता है। ठीक है, तो अभी मैं थंबनेल के बता रहा हूँ, तो आप थंबनेल चूज करेंगे तो ये थंबनेल ऑटोमेटिक उस साइज़ का आपको बना के दे देगा जो भी आप साइज़ में फ़ोटो बनाना चाहते हैं थंबनेल का। ओके दोस्त, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें कि आप इमेज का साइज़ जो है ये ऑटोमेटिक ये क्रॉप करके आपको दे देता है कि आप इतने ही साइज़ का यूज कर सकते हैं थंबनेल में या फिर गूगल में और या फिर ट्विटर पे। तो इस पे काफ़ी सारे यही इसका प्लस पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव बनाता है पिक्सल लैब को। ओके दोस्त, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो इसका है, तो यहाँ पे बेसिकली कलरिंग के लिए है कि आप कलर कैसा यूज कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो सिचुएशन जैसे है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे हैं ऑप्शन जो आप आसानी से यूज करके, हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप यूज करके आप आसानी से आप इम्प्रेसिव थंबनेल बना सकते हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपके लिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अब ब्राइटनेस है, आप टेक्सचर है तो आपका ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली इमेज का जो है वो लुक और अच्छा बना सकते हैं, ब्राइटनेस देके इसका कलर को और अच्छा डार्क या ग्रिम करके, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे करना चाहें। कंट्रास्ट जो है वो भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी ही यहाँ पे आसान और तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका जैसे कि और बैनर या फिर आप थंबनेल जो बना रहे हैं वो और ही इम्प्रेसिव लगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे जैसा कि मैं ऊपर अभी दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप जो सर्किल कर रहा हूँ यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं फ़ोटो। ओके दोस्त, और जो थ्री डॉट यहाँ पे बना हुआ है, तो थ्री डॉट जो बना हुआ यहाँ से आप बेसिकली फ़ोटो को इम्पोर्ट कर सकते हैं गैलरी से, फुल स्क्रीन कैमरा, इमेज साइज़, यहाँ पे आप फुल ट्यूटोरियल इसके बारे में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब शेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख लीजिए, शेयर आसानी से आप शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव का अभी ऑप्शन देता है, वो शेयर पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं सेव करना चाहते हैं तो उसके जस्ट बगल में सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं सर्किल कर रहा हूँ ना, यहाँ भी सेव का ऑप्शन दिया हुआ। जब आपका फुल टू थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों, तब आप यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट या फिर सेव एज इमेज, ये आपको दिया हुआ है, जो आप यहाँ के आसानी से आपको सेव कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप थंबनेल में यूज करके और आपका व्यू जो है इससे काफ़ी इम्प्रेशन बढ़ता है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करिए कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और अच्छा लाऊं। और आप ये भी दोस्तों बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे लाऊं, जो आपको आप लोग जिस पे कहेंगे मैं उसी पे लाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो इसके थ्रू आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थंबनेल आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।